और बड़ी खबर से शुरुआत करने जा रहे हैं। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में रेस्टोरेंट बर्गर किंग में देर रात हुई फायरिंग मामले में एक बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। रेस्टोरेंट के अंदर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी विदेश में छिपे गैंगस्टर हिमांशु भाव और नवीन बाली ने ली है। गैंगस्टर हिमांशु भाव की तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट पर हमले की ये जिम्मेदारी ली गई है। सबसे बड़ा अपडेट इस पूरे फायरिंग मामले में ये सामने आया है। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई है। गैंगस्टर हिमांशु भाव और नवीन बाली अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर उनकी तरफ से लिखा गया है कि हमारे भाई शक्ति दादा के मर्डर में इसका हाथ था और उसी का बदला आज हुआ है और जो भी बाकी है सबका नंबर आने वाला है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बर्गर किंग में राजौरी गार्डन के बर्गर किंग रेस्टोरेंट में जिस तरीके से फायरिंग हुई थी उसके बाद से अब आपको बता दें गैंगस्टर हिमांशु की तरफ से जो विदेश में बैठा हुआ है पूरी हमले की जिम्मेदारी ली गई है और ये कहा गया है कि हमारे एक साथी को इन्होंने मारा था, उसमें इनका हाथ था और एक एक करके सबका नंबर आएगा। ये उनकी तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे मामले में आपको बता दें गैंगस्टर हिमांशु भाव और नवीन बाली ने अपने सोशल मीडिया पर यह लिखा है कि हमारे भाई शक्ति दादा के मर्डर में इसका हाथ था और उसी का बदला आज हुआ है और जो भी बाकी है सबका नंबर एक एक करके आएगा। तो बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि कैसे एक रेस्टोरेंट में फायरिंग होती है और ऐसे में उसके बाद उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। लेकिन अब जानकारी मिल पा रही है कि विदेश में बैठे दो गैंगस्टर भाइयों की तरफ से इस पूरे हमले की जिम्मेदारी जो है वो ले ली गई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि एक एक करके हम अपने भाई का बदला लेंगे। तो गैंगस्टर हिमांशु भाव और नवीन बाली ने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली है। तस्वीरों के जरिए आप समझने की भी कोशिश कीजिए क्या पोस्ट जो है उस गैंग की तरफ से डाला गया है। देखिए उस बर्गर किंग रेस्टोरेंट की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं जहां पर यहां पर हमला होता है, ताबड़तोड़ 10 राउंड फायरिंग की जाती है जिसके बाद उस आदमी की मौत हो जाती है। लेकिन अब फिलहाल इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से आगे बढ़ेगी क्योंकि आपको बता दें कि सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अब उस पूरे हमले की जिम्मेदारी भी भाव गैंग ने ले ली है। दिल्ली के राजौरी गार्डन के बर्गर किंग में बीती रात ताबड़तोड़ फायरिंग से सनसनी मच गई। इस वक्त मेरी मौजूदगी बर्गर किंग के बाहर है। यहीं पर बीती रात एक शख्स अपनी महिला मित्र के साथ यहां बर्गर खा रहा था और तभी बाइक पर सवार तीन लोग आते हैं जिसमें से दो लोग इसी बर्गर किंग के अंदर जाते हैं और उस शख्स के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। और अब इसमें बड़ा खुलासा ये हुआ है, सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मर्डर की जो जिम्मेदारी है वो हिमांशु भाव और नवीन बाली गैंग ने ली है जो कि विदेश में छुपे हुए हैं। ये बड़ा गैंग वॉर की खबर इस वक्त सामने आ रही है जो सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रही है। उसके मुताबिक हिमांशु भाव और नवीन बाली ने इसकी जिम्मेदारी ली है और उन्होंने ये कहा है कि जो राजौरी गार्डन में हत्या हुई है उसमें हमारे भाई शक्ति दादा के मर्डर का हाथ था। जिस शख्स को मारा है मतलब उस शख्स का हाथ शक्ति दादा के मर्डर में था, इसीलिए बदला लिया गया है। जो वो शख्स था उसकी मौत हो गई। जो मरने वाला शख्स है उसके पास कोई किसी तरह की पहचान के लिए आईडी कार्ड नहीं था, लिहाजा पुलिस ये तफ्तीश भी कर रही है कि आखिर ये शख्स कौन है, क्योंकि कोई आईडी कार्ड नहीं मिला है इसलिए पहचान की जा रही है कि आखिर मृतक जो है उसकी पहचान क्या है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तो दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में इस पूरे मामले को लेकर अब आपको बता दें गैंग वॉर की बू इस पूरे हमले में सामने आ रही है और दिल्ली पुलिस का अब तक क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर सुनिए। बर्गर किंग पे यहाँ पे कुछ गोलियां चली हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जो बीट ऑफिसर्स थे उन्होंने और लोकल थाने के स्टाफ ने रिस्पॉन्ड करा। यहाँ पर पहुँचने पर जब वो घटना सत्य पाई गई तो डिस्ट्रिक्ट की जितने भी स्पेशलाइज टीम्स हैं, स्पेशल स्टाफ, एंटी नारकोटिक्स, एटीएस, उन सबको यहाँ पे मोबिलाइज करा गया। पहुँचने पर जो अभी तक जानकारी में आया है क्राइम टीम के द्वारा सीन ऑफ क्राइम के एग्जामिनेशन में, उसमें तकरीबन 10 या उससे ज़्यादा राउंड फायर हुए हैं और एक व्यक्ति की इसमें मृत्यु हुई है। उस व्यक्ति की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने के लिए और बाकी जो लोग जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है उनकी पहचान करने के लिए टीमों का गठन करके और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। और इस बड़ी खबर पर दो सहयोगी दीपक बिष्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं और जावेद हमारे साथ उसी रेस्टोरेंट से जुड़ रहे हैं जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। जावेद, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, एक बार तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश कीजिए कि कैसे ये पूरा हमला होता है और जिस तरीके से गैंग वॉर
एक बार फिर से दिल्ली में दहशत फैलाता हुआ नजर आ रहा है। कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, कितने हमलावर थे, एक बार दर्शकों को तस्वीरें दिखाइए। देखिए राजौरी गार्डन में बर्गर किंग का आउटलेट है। सबसे पहले तस्वीर हम क्राइम सीन से दिखाते हैं। दरअसल बीती रात यहीं पर ही जो मृतक था वो एक महिला के साथ इसी बर्गर किंग के भीतर मौजूद था। तभी बताया जा रहा है कि तीन लोग बाइक से आते हैं, जिसमें से दो लोग ऊपर जाते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। 10 से 15 राउंड फायरिंग होती है और मौके पर ही उस शख्स की मौत हो जाती है। लेकिन इसमें कई ऐसी कड़ी हैं जो सवालों के घेरे में हैं। मसलन जो महिला थी उस शख्स के साथ वो अभी तक गायब है, और ये भी बताया जा रहा है कि महिला वो मोबाइल और पर्स भी उस मृतक का ले गई, जिससे आइडेंटिटी क्लियर नहीं हो रही। तो सवाल ये भी है कि क्या कोई हनी ट्रैप था उस मृतक को फंसाने के लिए। हिमांशु भाव, नवीन बाली ने इसकी जिम्मेदारी ली है। पश्चिम दिल्ली में हिमांशु भाव अपने वर्चस्व कायम करने की लगातार कोशिशें करता रहा। कई ऐसी घटनाएं पीछे हुई हैं जिसमें हिमांशु भाव का हाथ आया, और अब ये एक बड़ी घटना हुई है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया तो इस रेस्टोरेंट में और भी लोग थे जो यहाँ पर मौजूद थे, और ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद यहाँ भगदड़ हो गई। और आप समझिए कि कोई और इसकी जद में नहीं आया, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे बर्गर किंग के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पर क्राइम सीन के बाहर से तस्वीर हम दिखा रहे हैं। फिलहाल ये बर्गर किंग मौजूद है, और आपको बता दें कि जो पुलिस है वो पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कई टीमों का गठन कर दिया गया है, जो सीसीटीवी फुटेज है उसको खंगाला जा रहा है। बिल्कुल जावेद, दो सवाल यहाँ से खड़े हो रहे हैं। एक, महिला मित्र कौन थी, और टारगेट की टिप जो है वो किसने दी है? दीपक पिष्ट हमारे सहयोगी मासा जुड़ रहे हैं। दीपक, ये भाव गैंग कौन है, क्या इनका बैकग्राउंड रहा है, पुलिस की तरफ से क्या कुछ जांच में निकल कर आया अब तक? देखिए, जो भाऊ है हिमांशु भाऊ, 2019 में भी इसको इसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, और 17 साल की महज उम्र थी, और तकरीबन